देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आया है वो जानबूझकर और भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर जो बैठक हुई, हम जितनी सीटें देना चाह रहे थे उसे काफ़ी ज़्यादा सीटें वो मांग रहे थे और इस कारण से वार्ता टूट गई और अब लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। और कुछ मीडिया में ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, अमित शाह ने रोका नहीं, अभी वो कौन होते हैं रोकने वाले, ये हर दल स्वतंत्र है, अलग है। तो लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े कि नहीं लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत टूट गई, वार्ता टूट गई और अब ये जानबूझकर ये प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नहीं रोका या अमित शाह ने नहीं रोका। और जो लोग ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, इसका मतलब है कि वो बीजेपी की सरकार बिहार में बनते हुए देखना नहीं चाहते। और जो लोग एक दो सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे वो कह रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसलिए कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। एक ओर तो पीएम की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते, नहीं बनने देंगे।